गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष कामदा आपके लिए और एक वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लोगों ने रिस्पांस अच्छा किया है, काफ़ी स्टूडेंट्सों ने अच्छा रिस्पांस किया है और बोला है सर अच्छी वीडियो बनाई है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, और मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं खुद ये बोलना भूल जाता हूँ क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी जो भी वीडियोज़ होगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। अच्छा, स्टैमरिंग के लिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, स्टैमरिंग शटरिंग सब ए सेम है। स्टैमरिंग क्यों होते हैं? क्यों हम फास्ट बोलने जाते हैं, जल्दी 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 बोल देना है, बोल दो। अभी आपने कभी गौर किया है, जो लोग बहुत फास्ट बोलते हैं वो लोग भी कभी कभी स्टैमर कर देते, कभी कभी वो दो तीन वर्ड्स भी स्टैमर कर देते। जो नॉर्मल चीज़ होती है, नॉर्मल इंसान होते वो लोग भी जब बोलते गुस्से में ऐसे तो वो लोग भी स्टैमर कर देते। तो स्टैमर जब फास्ट बोलते तो काफ़ी नॉर्मल लोगों को भी स्टैमरिंग होती है। हम लोगों के केस में कैसे होता है, हम जब बचपन में छोटे होते हो, जैसे कोई इमोशनल ज़्यादा होता हो, कोई पापा से डरता हो, घर में कोई से डरता हो, कोई ज़्यादा और घर में किसी को हो तो भी होता है, नहीं हो डरा हुआ बच्चा हो तो भी होता है, थोड़ा इमोशनल हो तो भी हो जाता है, तब स्टैमरिंग होता है। तब क्या छोटी मतलब मात्रा में होता है, कभी कभी होता है तो हमारे मदर फादर बोलते चल हो जाएगा, बड़ा होगा जैसे वैसे ठीक हो जाएगा, मन्नत मानते ये करते दुआ लेते ये वगैरह, डॉक्टर से दिखाते। तो ये स्टेज फिर हम लोग जैसे फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में आते तो हम लोग जब बोलने जाते स्टैमर होता है और स्टूडेंट्स हमारे साथ के कलीग्स हंसते, क्लासमेट्स हंसते, कभी कभी तो मेरे में तो ऐसा था कि टीचर खुद हंसती थी। टीचर मुझे टारगेट करके बुलाए, मनीष खड़ा हो और इतना पढ़ ले, ये पैराग्राफ पढ़। उनको मालूम था मैं नहीं पढ़ सकता, फिर भी मेरे को सबके सामने खड़े करते थे क्योंकि उस टाइम पे इतना एजुकेटेड नहीं थे। ये मैं बात करूँ 20 साल पहले की बात करूँ तो मैं इतना डर जाता था, जब भी खड़ा करे तो मैं इतना डर जाता, वो डर इतना बैठ गए मेरे अंदर कि बाद में स्टैमरिंग मेरा इतना बढ़ गया कि मेरे को खुद को हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, स्टैमरिंग है तो मैं लूज़र हूँ। मुझे ऐसा लगा, मुझे अंदर फील होने लगा मैं कुछ ना बोलूँ। मैंने फ्रेंड्स बनाना बंद कर दिया, मेरे 2 या 3 फ्रेंड्स से लिमिट है। अभी भी मेरे फ्रेंड्स 3 या 4 ही रहे जो स्कूल के थे मेरे बचपन के। क्यों थे? वो मेरे सामने कभी हंसते नहीं थे और मेरे साथ जो भी मैं बोलूँ तो भी आराम से सुनते थे वगैरह। और लोग थे ग्रुप में, कभी मैं इन्वॉल्व नहीं होता था, कोई लड़कियों से बात नहीं करता था, पहले बहुत शाई था, बहुत इंट्रोवर्ट हो गया था। मैं था नहीं इंट्रोवर्ट, मुझे बहुत बोलना था, बहुत बातें करनी थी, सबके साथ घुल मुल के रहना था, पर बिकॉज ऑफ स्टैमरिंग मैं बहुत पीछे हो गया था। ऐसी काफ़ी स्टोरीज सबकी नॉर्मल होती है। फिर क्या होता है, हम 6th, 7th, 8th में आते हैं तो और बढ़ता है, फिर हम एक डिप्रेशन स्टेज में भी लोग आ जाते हैं। डिप्रेशन ऐसा होता है कि हम किसी को बोल नहीं सकते, हम सुनमुन रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं, एजुकेशन में हम डाउन हो जाते हैं, हमारा ग्राफ जो होता है वो डाउन हो जाता है। तो ये सब स्टैमरिंग के लिए, और ये स्टैमरिंग में बोल रहा हूँ सिंपल अपनी बुरी आदत है, ये कोई हेरिडिटरी नहीं है, मेरे पापा को भी है, मेरे भाई को भी है। पहले मुझे ऐसा ही था कि मेरे भाई को पापा को इसलिए मुझे आया है, फिर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ फिर मैंने देखा ये वगैरह, इसका क्योर सेंटर से इसके वो सब थे तो वहाँ गया मैं और वहाँ जाके परफेक्ट क्योर होके आया, तब जाके मालूम पड़ा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ना इसके कोई दवा है, ना दुआ है, ना कोई डॉक्टर है। ये स्पीड अपनी जैसे बढ़ती है स्टैमरिंग बढ़ेगा, और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स इतने बढ़ जाते कि हम लोग फिर बोलने का ट्राई नहीं करते। फ़ोन आया तो फ़ोन तो मैं पहले इतना अवॉइड करता था, जैसे फ़ोन आया रिंग बजी और मेरी धड़कन तेज, फ़ोन उठाएगा, अभी बोलना होगा मुझे, हाँ मैं मनीष बोल रहा हूँ सर, मुझे ये आपसे काम है, हाँ मैं मनीष बोल रहा हूँ सर, मुझे ये काम है, मैं मनीष बोल रहा हूँ सर, मुझे ये काम है। ऐसा मैं मन में माइंड में पहले से बोलता रहता था, जैसे फ़ोन उठाए हेलो मैं मनीष बोल,
और अटक गया। काफ़ी स्टैमरिंग वाले पहले से फ़ोन में मन में बोलते रहते हैं, मुझे बोलना है बोलना है बोलना है, बोल दो। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि नहीं बोल पाया तो पहले से वो लोग अंदर रिवीजन करते हैं। रिवीजन, मेरे भाई मेरे दोस्त, ये रिवीजन करोगे फिर दूसरे सेंटेंस का जवाब भी हमें देना है। ये कोई हमारा वाइवा नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही करता था। मैं जब भी बोलता हूँ फ़ोन पे इतना डरता था, और हलो बोलो हलो और सामने वाले में हकलाया और बोला क्या 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 बोल रहे हो, फिर तो मेरे आँख में से पानी निकल जाए, मुट्ठी बंद कर लूँ, हाथ में चाबी दबा दूँ, पर मैं आगे एक लफ्ज़ बोल नहीं सकता था क्योंकि डर था कि सामने वाला नहीं समझेगा और मैं कैसे समझाऊँगा, क्या था एक्सप्लेनेशन कैसे करूँगा। तो ये जो बेसिक डर है वो स्टैमरिंग का डर सबको निकालना है, ये 100% ओवरकम हो सकता है। एयर फ्लो टेक्निक, प्रोलोंगेशन, वो सब क्या है, ABCD। हमको जैसे जूनियर KG में इसी तरह हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। ये कोई सीढ़ी नहीं है कि आप चढ़ पाओगे, कोई 7-8-9 दिन में ये स्टैमरिंग निकल जाएगा, कम हो सकता है। इसके लिए थरली दिल से लगन से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस भी इतनी सिंपल है, इतना सिंपल स्टेप्स है कि आपको खुद को लगेगा अरे मनीष सर बस इतनी करनी प्रैक्टिस। हाँ, सिंपल प्रैक्टिस है। जो मेरा पैकेज है वो एकदम सिंपल है, 4 या 5 टेक्निक से उसको लगे रहो, उसको प्रैक्टिस करो, फिर जो भी है मैं जो कराता हूँ वो रेगुलर माहौल में रह के कराता हूँ। मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं जो भी हूँ ऑनलाइन सबको टिप्स टेक्निक्स देता हूँ और उनको बोलता हूँ आपको फ़ोन भी करना है, आपको OLX जैसे OLX है उस पर फ़ोन करते हैं, बातें करते हैं, सर क्या है, कैसे हो, कैसे बेचना है वगैरह, तो सामने वाला जॉब देने वाला है आपको क्योंकि उसको बेचना है, आपको लेना है। तो आप जितना बोलोगे आराम से धीरे से अपने हिसाब से, सिर्फ माइंड में एक टारगेट रखना कि मुझे आराम से एयरफ्लो के साथ बात करनी है, और सामने वाला आराम से आपको जवाब देगा क्योंकि वो आप उसके लिए कस्टमर हो, समझे आप। तो आपको मैं इसी तरह सबको प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर बाहर जाके कैसे बात करनी है वो, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट में रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पे 10 दिन रहे, 10 लोग होंगे वहाँ पे, अब मुझे आज मालूम है फर्स्ट डे में नर्वस रहूँगा कहीं जाऊँगा तो, सेकंड डे मुझे मालूम है ये अंकुर को भी है, वो प्रणव को भी है, प्रेरक को भी है, मुकेश को भी है, दिनेश को भी है, सब स्टैमरिंग वाले ही है, प्लेटफॉर्म सेम है, फिर मैं डरूँगा, फिर मुझे डर लगेगा ही नहीं और मैं आराम से प्रैक्टिस कर पाऊँगा। जैसे मैं एक दीवार में बंद हूँ इसी तरह अगर अकेले होते हो, कभी स्टैमिना हुआ है आपको, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं सर। गाना गाते हो पूरा गाना कोई भी फास्ट गा लो, होता है नहीं होता है पता नहीं क्यों सर। तो अगर हम सब साफ साफ बोल सकते नहीं, अगर टंग हमारी चिपकी हुई हो, कुछ जो लाइन में प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ मेडिकेटेड हो, तो हम लोग हेल्पलेस है। जब कुछ भी नहीं है हम एक एक अल्फाबेट सही सही साफ साफ बोल सकते हैं, तो स्टैमरिंग को ओवरकम करना 100% इफेक्टिव है और 100% ये निकल सकता है। मेरा देखो अब मेरा निकला है, कितने स्टूडेंट्स अभी ओवरकम हो गए, उनका खुद का कॉन्फिडेंस आ गया है। अभी मैं 45-50 मिनट तक लगातार उनसे बात करता हूँ तो भी उनको एक भी बार स्टैमरिंग नहीं होता है। 20-25 दिन में वो लोग सही हो रहे, फिर भी उनको प्रैक्टिस तो करनी करनी है क्योंकि ये स्टैमरिंग को ऐसा नहीं है आज का है, ये 20 साल पुरानी हमारी आदत है। मैं आपको पहले वीडियो में ही बोला है कि 20 साल पुरानी आदत है, उसको कम से कम निकालने के लिए आपको खुद को 6 से 7 महीना मैक्सिमम अलर्ट होके इसके पीछे रह के इसको निकालना है और थरली प्रैक्टिस करना है। जो डर गया वो मर गया, हम डरने वाले में से नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है। लोग ऐसे बोलते हैं इसको एक्सेप्ट कर लो, क्यों करना है,
ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि एक्सेप्ट कर ले इसको, ये कोई प्राउड की बात नहीं है। हमें मालूम हम कितना फेस करते हैं, बात कितने लोगों को फेस करते हैं, हम लोग कितनी स्ट्रगल हम लोग करते हैं। तो ये डिसेबिलिटी नहीं है, फिर भी हम डिसेबल हो ऐसे हम लोग फील करते, हम लूज़र है, मैं डिप्रेस हूँ, मुझे ये होता है, मुझे ये मन होता है, सर मुझे ये नहीं करना है। कितने बच्चों ने 12th के बाद स्कूल भी छोड़ दी, मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए गांव के कि मैं नहीं जाते हम लोग। तो ये सब है मेरे भाई बहनों, जो भी हो ये स्टैमरिंग 100% क्योरेबल है, ये बहुत इफ़ेक्टिव मेरी रेमेडीज़, मेरी टिप्स एंड टेक्निक, आप उसको 100% यूज़ कर सकते हो। मेरा छोटा सा पैकेज है, मैं आपके साथ हर टाइम रहूँगा, जब भी प्रॉब्लम हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, पर फर्स्ट टाइम आपको मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज भेजना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9426490074, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, ये वीडियो सिंपल सब स्टैमर के लिए बनाइए कि जो मैं फील करता हूँ वही वो लोग फील करते हैं कि नहीं। आप मैसेज भी मुझे भेजिए, कुछ भी हो तो आप मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, जैसे मुझे कुछ भी लगेगा तो तुरंत वीडियो बना के अभी पोस्ट कर दूंगा, तो सब स्टूडेंट्स को ये यूज़फुल हो सकता है। टिप्स एंड टेक्निक्स मेरी जारी रहेगी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ओके, थैंक यू। और बी पॉजिटिव, स्टैमरिंग 100% क्योरेबल है, ओवरकम हो सकते हैं, क्योरेबल नहीं बोल सकते, आई एम सॉरी, क्योंकि ये कोई बीमारी है ही नहीं, ओवरकम हो सकता है। हम हमारी स्पीड को अच्छी तरह बोल सकते हैं, अच्छी तरह कंट्रोल करेंगे तो स्टैमरिंग ऐसे जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। सिर्फ आपको मेहनत करनी है, मेरी टिप्स और आपकी मेहनत दोनों अगर साथ हो गया तो क्या होगा, स्टैमरिंग को जाना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।